नमस्कार पॉजिटिव भारत को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर पंजाब रे प्रधानमंत्री सुरक्षा रे त्रुटि प्रसंग अवसरप्राप्त विचारपति अध्यक्षत उच्चस्तरीय तदंत कमिटी गठन पर सुप्रीमकोर्ट निर्देश कमिटे सामिल हे डीजी आईजी एनआईए देश में 24 घंटे 179,000 पॉजिटिव गोटे दिन में 12% बढ़ला रोगी संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक 44,388 मामला टीकाकरण को गुरुत्व देवा को समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आह्वान राज्य में 100 टपिला ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या आज पुणी 28 ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट पर बढ़ला चिंता आईएलएस सूचना मोट आक्रांतों संख्या 103 को वृद्धि सारा राज्य में आरंभ हो बुस्टर डोज टीकाकरण उभय ऑफलाइन और ऑनलाइन रे स्लॉट बुकिंग करी टीका हिताधिकारी स्वास्थ्यकर्मी सम्मुख योद्धा और 60 वर्ष ऊर्ध बहु रोग से पीड़ित को दिया जाउछि वैक्सीन एवं कालिठू आरंभ भारत दक्षिण आफ्रिका तृतीय टेस्ट मैच शेष टेस्ट जीति सीरीज कब्जा लक्ष्य रे उभय दल दल को फेरले विराट कोहली आहत पई बात करले मोहम्मद सिराज ईशान शर्मा किंवा उमेश यादव को मिल पारे सुजोग भारत में उपरमुहा कोरोना ग्राफ गत 24 घंटे देश में 179,000 नुआ केस सामना को गतकाली को तुलना कले गोटे दिन में देश में 12% बढ़ी रोगी संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक 44,388 संक्रमित पश्चिमबंगे 24,287 दिल्ली में 22,751 और तमिलनाडु 12,895 आक्रांत रही 146 जन जीवन नहीं भाइरस प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित चिन्हट पॉजिटिव नहीं ट्वीट कर सूचना देखते राजनाथ से निजक क्वारंटाइन करने सहित कौन बड़ लक्षण नथिबा राजनाथ कहते से कहते मुझे आज हालुका लक्षण सहित कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती वर्तमान होम क्वारंटाइन रही मो संस्पर्शे आसिथिबा लोकंकु अनुरोध करछि सेमाने निजक आइसोलेट करने सहित निजर परीक्षण कराइ नियंतु माड़ुची ओमिक्रॉन राज्य में आज 28 ओमिक्रॉन चिन्हट पर 100 टपिछ आक्रांतों संख्या यार भितर जनवरी शेष सुधा राज्य में संक्रमण शीर्ष छुईब बोली आकलन करछन्ति विशेषज्ञ अन्यपटे राज्य में 5,000 मुहा संक्रमण गत 24 घंटे राज्य में 4,829 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती राज्य में 100 टपिला ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या आज पुणी 28 ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट देश में 3,000 पार कला ओमिक्रॉन राज्य में प्रिकॉशन डोज टीकाकरण आरंभ राज्य में आज 28 ओमिक्रॉन चिन्हट होगा 103 छुईं आक्रांतों संख्या से 18 जन विदेश फेरी अनेपटे देश में 3,000 पार कर ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या सर्वाधिक युक्त 2,00,000 आमेरिका जर्मानी डेनमार्क 60,000 उपर आक्रांत रही अन्यपटे कोविड केयर सेंटर खोली पर्याप्त परिमाणर मेडिकल सरंजाम गच्छित रखा को सबु राज्य को निर्देश देते केंद्र सरकार या सहित अवसरप्राप्त डाक्टर और एमबीबीएस चतुर्थ पंचम सेमिस्टर छात्र को स्वास्थ्य कार्य लगे केन्द्र पक्ष अन्यपटे गत 24 घंटे राज्य में 4,829 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटाइन 2,823 और लोकाल केस 2,006 पॉजिटिव रही तेरे खोर्धा जिले में सर्वाधिक 933 आक्रांत चिन्हट होगा चिंता बढ़ी यार भितर विशेषज्ञ मैंने आकलन करते राज्य में जानुरी शेष पिक नेब संक्रमण दिल्ली महाराष्ट्र में जानुरी 15 सुधा संक्रमण पिक नेबार आशंका रही अनुसार ओडिशा तार 10-15 दिन पर पिक नेबार संभावना रही सूचना देते स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र 28 जन ओमिक्रॉन पॉजिटिव जो थोर 18 जन हूँ इंटरनेशनल पैसेंजर दीज जड़े हूँ काश्मीर आसे मुंबई आसनाल पैसेंजर दिज
आउ बाकी 8 जन जो लोकल चिंता करबा कथा आमे आतंक न रखबा कथा जो भलिया रेट रे संक्रमण बढुची सरकार को तरफ रु सरकार तीक्ष्ण नजर रखिसेंती। अनेपटे राज्य आज आरंभ होइछि प्रिकॉशन डोज टीकाकरण स्वास्थ्यकर्मी सम्मुख योद्धा और वरिष्ठ नागरिकों को दि जाऊँ टीका। राज्य में मोट 17,52,838 लोक प्रिकॉशन टीका ने जो मान सेकेंड डोज रु 9 मास 39 सप्ताह होने प्रिकॉशन डोज नेवाई योग्य हे। जनवरी शेष सुधा 5,25,607 लोक प्रिकॉशन डोज पर योग्य हे। दुई प्रकार प्रक्रिया टीकाकरण से पंजीकरण करें सेमकर रजिस्ट्रेशन करार कौन आवश्यकता ना कारण सेलरेडी रजिस्टर्ड अच्छा किंतु सेपइमेंट बुक करेंगे तेणुक दुई प्रकार सुविधा रही गोटे हूँ अनलाइन एपइमेंट जोटा नहीं पारे आ गए हूँ अन्स्पट। बिगुड़ा कोरोना परिस्थितर समीक्षा करते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बैठक में मुख्य शासन सचिव स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कोरोना मुकाबला पाई भित्तिभूमि सह एयर मुकाबला किभली करा जिवो तार समीक्षा करिसेंदी मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर दिव्यज्योति महंती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। संपर्क अधिक सूचना पाई आलोचना पाई हमसे रहिसेंदी डॉक्टर सुभाष साहू रहिसेंदी। डॉक्टर साहू कोन कहबे जो बोली भाबरे देश रे वर्तमान कोरोना रो मात्रा बढुची पण खास करी जे ओडिसा को आमे देखिबा दैनिक संक्रमण 5000 मुहा हलाणी तो एठी केवल जे गाइडलाइन इम्पोज कर देले बा माने मास्क पिंधि पकेले बा कोनसी प्रकार कर्फ्यू लगाई देले जे आमे आप रे रोक लगाई परिबा जेमति लागुनी एटा ते संभव तो कोन आपण कोन लागुची ए परिस्थिति वर्तमान कोन डिमांड करची कोरोना रो ए चेन को ब्रेक करबा पई देखो मानिबा न मानिबा सहित किसी संबंध ना वर्तमान सरकार निश्चित जाग्रत हो कि जो कामटा एबे करिबा कथा माने एबे कौन माने स्ट्रिक्ट कौन सी प्रकार रे लोकों को ये जो तीनटा मूल मंत्र कि वैक्सीनेशन पाई निश्चित भाव सरकार समस्त सजाग रखा दरकार आउटके रूल टा को स्ट्रिक्ट करिकरी जत्ते चेष्टा करिवे गहली पूर्ण माने जगह को नजीवाई कहवा कि गहली गुडा जो भोजी भात होणसी मानते वेजिटेबल मार्केट हो कि बहुत जगह जोड़े से गहली हूँ से रोकवाक पड़ो आर कौन उपाय ना कहीं कहते जदि आमर संक्रमण तो निश्चित भाव बढ़ी बढ़ी जीव जदि संक्रमण बढ़ी बढ़ी जामें हे तो बेड जी आम संख्या रोचे सरकार से जगह सजग हेले आमे सेतिकी बेड जेतिकी बेड दरकार आमको जदि संक्रमण अधिका हेइजिवो ताहाले हुए तो आमे आम आउट ऑफ कंट्रोल हेइजिवो आमे जो एडमिशन एबे आमे देखुछति खाली ओमिक्रॉन कथा भाउछ ता सागर हुए तो डेल्टा वेरिएंट भी थाई पारे आ ता सागर आमरो कोन अछि माने 37-40% लोक एबे पर्यंत भी वैक्सीनेशन डबल डोज हेइ नाइ सेथिरे आपण निश्चित आमे माने लोक मृत्यु मुख को लेकर जीवार चान्सेस अच्छी से लोक निजे सजग हेबा को दरकार जो माने घर को धरिकी आसीबे से माने ताकर निजर घर लोक ही इनफेक्ट करिवे प्रथमे ता भितरे किए कौन असुविधा हम कहीं जानिना तार व्यवहार माने जो भाईरस व्यवहार कौन हम घर लोक भावुंत लोक कौन बाहर को पलैले सी अन्य मानक इनफेक्टेड कले कि निजर खाली इनफेक्शन हेले सेटा नुह जदि ताकर निज घर को धरी आसिबे ताको घरे जदि कोनोसी वयस्क लोक कि कोमोरबिडिटी किबा हार्ट पेशेंट डायबिटीज पेशेंट कोनोसी जिनिस अछि ताहाले निश्चित भाबे तांको इनफेक्शन कले सिए हुए तो बहुत ताकर निजर किछि क्षति घटिवार चांसेस अछि। किंतु डॉक्टर साहू एटा तो अपन कहले संक्रमण रो कथा किंतु जो ऑलरेडी जदि हमें देखिबा कि जो माने आट्रिस कंट्री नो पी फेरि छंती जो मन को भीतर सेंती सिम्पटम्स नाही किंतु से माने पॉजिटिव हो छंती एवं कि समय पूर्व मध्ये हमें आलोचना कटलु भी कि देखो जो माने फर्स्ट फेज रे भी माने फर्स्ट वेव रे भी जो माने पॉजिटिव हे छंती से माने थर्ड वेव रे मध्ये वर्तमान पूरी तरह पॉजिटिव होबरा कथा सामना करछता से माने डबल डोज ऑलरेडी वैक्सीन भी नै सारि छंती किंतु ता सत्वी मध्ये से माने पूरी तरह पॉजिटिव हो छंती तो एटा गोटे चिंता बढोनी कि ऑलरेडी पॉजिटिव पूरी आउतरे से माने अगेन पॉजिटिव माने माने प्रूव होचंती बा पॉजिटिव पाउचंती निश्चित चिंता बढैबो सेतरे कोनोसी संदेह नाही दुईटी डबल डोज पाइला परे हुए तो संक्रमण जाकू होउची तारो सेते सिवियरिटी टा नहि पारे हमर एबे भी स्टडी आमे एते स्टडी हमर भारत रे नाही बाहर रे जति की हमर स्टडी अछि ता से माने कहउचु जे
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଦିଆହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣଟା ଟିକେ କମ୍ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ କାହାକୁ କେଉଁ ମାନେ ବିହେଭିଅର୍ ଆସିବ ଭାଇରସର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ କାହାକୁ କେତିକି କ'ଣ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇକିରି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଦେଖିବାର କଥା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୀକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ତା ସହିତ ସଚେତନତା, ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କୋଭିଡ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ ଦେଇପାରିବା ବା ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ସାହୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳ ବୈଠକ, 9ଟି ଦାବି ରଖିଛି ବିଜେପି। ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣରୁ ବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦାବି। ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇନି। କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟ ଏଭଳି ହୋଇଛି, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ 2 ମାସ କି 3 ମାସ ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲା ବିଜେପି, ସେପରି 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ ସଂରକ୍ଷଣରୁ ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ଲାଗି ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି। ଯେଉଁ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ କଥା, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଓବିସି ବର୍ଗର 54% ଯେଉଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି 243D ଅନୁଯାୟୀ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଅଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କଥା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି TSP ଏରିଆ ଅଛି, ପେସା ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଂଶିକ ପେସା ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ସେଥିରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏ କଥା ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ସେ କଥା ସେ ରାଜ୍ୟର କଥା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଚାର କରିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଅଛି, ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଜୀବନ ଆଗେ, ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଅଛି, ତାର ତା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ କରୋନାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଯଦି କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ବି ମୁଁ କହିଛି ଏଠି, ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ଓବିସି ବିରୋଧୀ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହେଲେ ଓବିସିଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାହିଁକି ସେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାହେଇଛି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 54% ହେଉଛନ୍ତି ଓବିସି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି 24%, ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ 78% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ଯେଉଁମାନେ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରାହେଉଛି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ କି? ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିତ କରିବା? ଏକମାତ୍ର ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ନିରପେକ୍ଷ ବା ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏକମତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ପ୍ରଶମିତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 73% ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଅସନ୍ତୋଷ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, କା ଦୟାର ଆଦେଶ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ। ଖବର ଜାରିବ ସମୀଚୀନ ବ୍ରେକ୍ର।
स्वागत। प्रधानमंत्री सुरक्षा उल्लंघन मामलें सुप्रीमकोर्ट निर्देश। सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन विचारपति नेतृत्व में गढ़ाब स्वाधीन तदंत कमिटी। सुरक्षा अवहेला को नहीं देशव्यापी जारी रही असंतोष। सेपटे ओडिशारे विरोध प्रदर्शन करछंती बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा। प्रधानमंत्री सुरक्षा उल्लंघन मामलें सुप्रीमकोर्ट निर्देश। सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन विचारपति नेतृत्व में गढ़ाब स्वाधीन तदंत कमिटी। सुरक्षा अवहेला को नहीं देशव्यापी जारी रही असंतोष। ओडिशारे विरोध प्रदर्शन कले बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा। प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा व्यवस्थार जांच पर सुप्रीमकोर्ट जनवरी 10 तारीख दिन एक इंडिपेंडेंट तदंत कमिटी गठन करार निर्देश देते। गत सप्ताह रे पंजाबर फिरोजपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा उल्लंघन घटनार तदंत पर सुप्रीमकोर्टर जड़े पूर्वतन विचारपति कमिटर नेतृत्व ने कमिटर परिचालना करे। गत सप्ताह पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा उल्लंघन घटनार जांच पर डीजीपी चंडीगढ़ आईजी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी पंजाबर रजिस्ट्रार जनरल और पंजाबर एडीजीपी को यही तदंताधीन कमिटी रे अंतर्भुक्त करने को कोर्ट निर्देश देखिए। एक तो यह बात सिद्ध हो गई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पंजाब सरकार की तरफ से चूक हुई है और इस चूक के कारण ही आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में जांच के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। तो स्वाभाविक तौर पर इस समिति का स्वागत है और अपेक्षा है कि शीघ्रातिशीघ्र यह समिति जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे। तेरे प्रधानमंत्री सुरक्षा अवहेला एक अत्यंत गुरुतर विषय और यार तदंत गठित होता टीम को धार्य समय सीमा मध्य रिपोर्ट दाखल करने को सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते। तेरे यहाँ मध्य देशव्यापी प्रधानमंत्री सुरक्षा अवहेला को नहीं जन आक्रोश लगी रही। से हीपरि राजधानी भुवनेश्वर ओडिशार अन्य जिले में घटनार प्रतिवाद कर ओडिशा बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा पक्षर नीरव प्रतिवाद कर जनवरी 5 रे फिरोजपुर गस्त बेले होइतिबा त्रुटि पै कांग्रेस को दायी करिछि मोर्चा। तेबे एहि परिप्रेक्षी रे बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी और बीजेपी नेता विभु कुमार तराई मध्य प्रतिक्रिया देइछंती। ये होछि एक संवेदनशील प्रसंग एवं समग्र भारतवर्षर सांविधानिक मुख्य आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फिरोजपुर गस्त काल रे जो भली भाव रे एक अभावनीय घटना पंजाब सरकार को द्वारा घटिला सेठी जो भली भाव में सुरक्षार प्रसंग आसला प्रधानमंत्री एवं 20 मिनिट धरी तांको गाड़ी के जो भली भाव में अटके दिया गला एवं आंदोलनकारी माने जो षड्यंत्र करिथिले से षड्यंत्र मूल रे कांग्रेस दल रही सोनिया गांधी राहुल गांधी हाथ रही अत्यंत निंदनीय मु कहिबी नाही जे एटा चन्नी सरकारंकर अपारगता मु याकु कहिबी गोटे षड्यंत्र प्रधानमंत्री कैवलकेड गोटे जगार रहीगला 20 मिनट जोटा कि 20 किलोमीटर थिला भारत पाकिस्तान सीमा ठारू याठु बड़ षड्यंत्र किछि हेई पारिबो नाही। प्रधान विचारपति एन भी रमन्ना जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस हिमा कोहली तीन जनिया खंडपीठ ए मामलार शुणाणी करी कमिटी गठन प्रक्रिया खूब शीघ्र आरंभ हेबो बोली कहिछंती। जनवरी 5 तारीख रे पंजाब गस्त समय प्रधानमंत्री गाड़ी फिरोजपुर ठारे सुरक्षा अवहेला कारण फ्लाईओवर रे 20 मिनिट पै अटकी रही ओपरे राली को न जाई फेरी आसीथिले प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कालिठु आरंभ होउछि भारत दक्षिण आफ्रिका तृतीय टेस्ट मैच। प्रथम टेस्ट भारत विजयी होता बेले द्वितीय टेस्ट जीति समान स्थिति रही दक्षिण आफ्रिका तेज मैच गुरुत्व बढ़ी जाइए। शेष टेस्ट मैच जीति सीरीज कब्जा लक्ष्य रही उभय दल तेरे दक्षिण आफ्रिका मटे भारत केवे टेस्ट श्रृंखला जीति नथिबारु एथर सीरीज जीति इतिहास सृष्टि करिबा लक्ष्य रही भारत। जोहान्सबर्ग रे पराजय पर भारत दल अधिक गंभीर भाव यह टेस्ट को खेल बोली विश्वास आसी। सेंचुरियन सुपर स्पोर्ट्स पार्क में भारत केवे टेस्ट जीति नथिला किंतु एथर बॉक्सिंग डे खेल जा प्रथम टेस्ट जीति नुआ फर्द जोड़ा। से जोहान्सबर्ग रे वंडर्स रे भारत केवे हारी नथिला किंतु 4 दिन भितर केएल राहुल दल हारी जिवारु श्रृंखला 1-1 स्थित रही। सेपरी केपटाउन में भारत केवे जीति ना तेणु एठार विजय हासिल प्रस्तुति चलाई भारतीय खिलाड़ी पीटी समस्या कारण जोहान्सबर्ग में खेली पार्थ्वा विराट कोहली चूड़ांत दल को प्रत्यावर्तन करने सूचना मिली फल हनुमा विहारी को पुणी बाहर बस पड़पे। खराब फर्म और आहत समस्या कारण मोहम्मद सिराज खेलें नहीं बदल में भारत ईशांत शर्मा कि उमेश यादव को खेलने योजना कर।
संपर्क आलोचना करने रही क्रीड़ा समीक्षक संबित पात्र पात्र आपको स्वागत कर आलोचना को कौन कह जो तृतीय टेस्ट खास कर देखिए सीरीज बर्तमान बराबर रही मानते गोटे टेस्ट भारत जीति बेले आउ गोटे जीति साउथ आफ्रिका तेज बर्तमान तृतीय टेस्ट उपर रही समस्त नजर कारण ये टीम को बर्तमान जहाँ रही कि हाथ समस्या जिते बड़े बात पड़े विराट कोहली बैक करूँ अनेपटे देखा जो भी भाव में द्वितीय टेस्ट भारत करण करतापुर मैच गुड़ी बेस गुरुत्व मानते तृतीय टेस्ट को बेस गुरुत्वर सहित टीम इंडिया नहीं जहाँ बेस चर्चा होेणु दक्षिण आफ्रिका मटी में कौन सी टेस्ट श्रृंखला जितना टीम इंडिया चलित थर ये टेस्ट श्रृंखला जीति इतिहास रचवा लक्ष्य रही आलोचना करने रही आम से क्रीड़ा समीक्षक संबित महापात्र सीत महापात्र आपको स्वागत कर आलोचना को सीत महापात्र तृतीय टेस्ट सीरीज को आपड़ के देखुं इंडिया और साउथ आफ्रिकार नहीं तृतीय टेस्ट मैच निर्णायक टेस्ट मैच जिते बड़े जो देश में आम एपर्त टेस्ट सीरीज जीती ना ये एक सुजोग रही एपर्त द्वितीय टेस्ट मैच हारी जेहतु एक एक स्थित रही तेणु जदि आम मैच टी जीतु केप टाउन आम दुई एक सीरीज जीति ना एक इतिहास रचना भाया कथा हम ऑस्ट्रेलिया विपक्ष में आम गत वर्ष प्रारंभ करते एक चमत्कार टेस्ट सीरीज विजय पाई 2022 आरंभ अवस्था में संभावना रही प्रथम कथा दुई तीन टी कथ मैच को नहीं रही सब बड़ कथा हूँ जितेबले कि समय पूर्व सांबादिक सम्मेलन में विराट कोहली कही सारी मुझ फिट अच्छी मु मैच खेल को जाऊँ तेणु ये हूँ सब बड़ प्लस पॉइंट टीम इंडिया सकाशे नियमित टेस्ट अधिनायक दल को आसवा और मुख्य बैटर जिते आप खेल एक निर्णायक टेस्ट मैच रे सी दल पर एक सुविधाजनक स्थिति हम बोली मुझे भावी एक द्वितीय कथा हूँ जो आशंका थिला सिराज को नहीं ताको मध्य से स्पष्ट करिसेंती सिराज को मांसपेशी जनित आघात तो भल ही ना तेणु से खेलु नाहंती ईशांत और उपेश यादव मधुर क्या आम खेलू से बाबद आम पर चिंता करू मुख्य कोच मु राहुल बसिक आम से विषय निष्पत्ति नौ बोली विराट कोहली विराट एक मुझे जपरी भाव चापगत धारा रही बयान चेतन शर्मा विराट कोहली जो प्रकार परिस्थिति नहीं जो चाप सृष्टि ये गोटे निजक प्रमाणित करने सुजोग अनेशतम टेस्ट मैच ये जदि सीरीज जिते पारती भारत को ताले ये अनेक समालोचक मान मुह को बंद करदेवार ये गोटे बाट हम तेणु एक इतिहास रचना कर रही किंतु चैलेंज बहुत र जपरी भाव में बोलर मैंने बेटर परफॉर्म कर द्वितीय टेस्ट मैच में बैटर मैंने अप्लाई करर्ज एकाग्रतार सहित अधिक खेली भारतीय तुलन में तेणु भारतीय खेली मानू जिते आपण विपक्ष में रही सबुतक रेकर्ड केप टाउन पड़िया से अत्यंत भल अति क्वालिटी दृष्टि अत्यंत भल जदि क्रिकेट प्रदर्शन आम करें जीति पार किंतु भावी से जो उत्साह आवश्यक था निर्णायक टेस्ट मैच आरंभ होला बेले विराट कोहली निजक फिट बोली कही एवं खेल कहीकि प्रेरणा देवार काम कर सारी मु आशा करी जे एक भल प्रदर्शन भारतीय खेली मान पाखु देखा मिल विशेषकर बैटर मान पाखु मुझे देखा चाहिए अधिक आप्लिकेशन जो विशेषकर द्वितीय टेस्ट मैच रे अक्षमणे त्रुटि करिसेंति जो शॉट सिलेक्शन पंत हूँ आम बहु बैटर करिसेंति से भाया त्रुटि न करके निजक अप्लाई करके जपरी भाव में अभिनायक एलगार बैटिंग करते द्वितीय पाली रे से भाया प्रदर्शन जिते प्रतिपक्ष जिते आपण विरुद्ध गले जिते आपण को टीहाइले जिते आपण देह को बल पकेवा चेष्टा कले निजक एकाग्रचित्त रखिकी दलर जोटा फायदा हवा दरकार से भाया बैटिंग से मैंने करते तेणु मुझे जे भारतीय खेली मैंने निर्णायक मैच रे जिते बड़े इतिहास रचना कर संभावना आम हाथ में रही आम देखा आमर प्रतिभा कौन आम सामर्थ्य कौन और जीति आसवा
दक्षिण आफ्रिका माटी तो देखिबार कथा समस्त नजर टेस्ट मैच उपरे इंडिया एवं साउथ आफ्रिका मध्ये कारण इंडिया जेहेतु कौन से प्रकार श्रृंखला जीति नहीं साउथ आफ्रिका तेणु ये सीरीज टी जीति एक इतिहास सृष्टि करने लक्ष्य रही टीम इंडिया धन्यवाद सहित महापात्र आलोचना करते क्रीड़ा समीक्षक संबित महापात्र समय बुलेटिन को रखा नमस्कार।